राम राम साथियों, कमा गणी, आप सबको स्वागत है राजस्थान की एग्जाम रा पेपर उपलब्ध करवाने वाले चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है एग्जाम के पेपर्स, और साथ ही बता देना चाहूँगा कि RSMSSB भर्ती बोर्ड द्वारा राजस्थान में फॉरेस्टर की भर्ती काफ़ी लंबे टाइम से आपके लंबित चल रही थी, 2020 की ये भर्ती है। इसका आयोजन आज 6 नवंबर को करवाया गया है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाएंगे, कैसे क्वेश्चन आए हैं जरूर से देखें। पेपर का लेवल अच्छा है और कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन बता देना चाहूँगा पेपर का लेवल अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों को चकर गिन्नी कर दिया, बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों को ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी सस्पेंस रहा है। तो इन क्वेश्चंस में जो ऑफिशियल आंसर की बोर्ड जारी करेगा उसके आधार पर ही पता चल सकेगा कि उन क्वेश्चन के उत्तर क्या रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अनुमानित आंसर की भी इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाएंगे पेपर के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहले शिफ्ट का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का 2022 का फॉरेस्टर का। RSMSSB भर्ती बोर्ड के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा पेपर्स, और साथ ही ऑफिशियल आंसर की आधार पर पेपर सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा जाएगा ऑफिशियल आंसर की आधार पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी ये पेपर देख सके। RSMSSB भर्ती बोर्ड का नवीनतम पेपर है, बिल्कुल न्यू एग्जाम पेपर है। आप सभी सर्च करते हैं यूट्यूब पर एग्जाम के पेपर्स, द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको पेपर्स उपलब्ध करवाता है। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और पहले क्वेश्चन पर आने से पहले बता देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर कई क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं पिछले एग्जाम्स में से, पिछले एग्जाम के पेपर्स में से कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं, वो आपको यहाँ बता दिया जाएगा कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन डी आ जाएगा, जल दुर्ग है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दूसरा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, केला देवी भरतपुर वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वन विहार धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है, कई बार रिपीट हो चुका है फुलवारी की नाल, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फुलवारी की नाल बहुत ही मोस्ट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, और शेरगढ़ 12 में है, ठीक है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके पक्के हो जाते हैं, तीन क्वेश्चन अगले एग्जाम की तैयारी के लिए देख रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए देख रहे हैं, तो बहुत काम का पेपर है, जरूर से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। पटवारी की जो भर्ती हुई थी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में से कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शंस में से क्वेश्चन बना करके और सेकंड शिफ्ट में डाल दिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं ऑफिशियल आंसर के आधार पर उपलब्ध करवाए हैं, तो और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी उपलब्ध करवाता हूँ। तो बता देना चाहूँगा कई क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बहुत क्वेश्चन आपस में रिपीट होते रहते हैं। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेहाना रियाज चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, रेहाना रियाज चिश्ती। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन पर, और कहा गया है चौथे में, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? चौथे में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा, प्रकंद, भूस्तरी और बल्ब। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पांचवें पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? पांच में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बनास बेसिन। छठा क्वेश्चन है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? और छठे में ऑप्शन नंबर यहां पर सी आ जाएगा, प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सातवें में कहा गया है, यदि एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद एक्स छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को वाई तथा जेड ने 10 और दिन अधिक लेकर पूर्ण किया, एक्स अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? सातवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? नहीं पर जरूर से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गेहूँ। नहीं जरूर आपके एग्जाम्स में आता रहता है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर डैश सूखा कहते हैं। 9वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भयंकर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आ जाता है 10वां, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर तथा टिन, ठीक है, कॉपर तथा टिन। 11वें पर आ जाते हैं, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹882 जबकि साधारण ब्याज ₹840 होता है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है? 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10% प्रतिवर्ष। 12वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर स्थित है? तो ये 12वां प्रश्न है, इसमें आपको बता देना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को हम बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के इंतज़ार के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन को छोड़ना ही उचित है। बोर्ड ने इसका ऑप्शन क्या माना है वो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ही बता सकता है, क्वेश्चन सस्पेंस भरा है इसलिए, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और 13वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है,
राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? ऑप्शन डी आ जाएगा 13वें में, जयपुर में किया गया था। ठीक है, 13वें में आ जाएगा डी, जयपुर में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 14वें पर, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 14वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है 15वां में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? 15वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 16वें पर, 16वें में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? 16वें में आ जाएगा डी, ग्लाइसिन। ठीक है, 16वें में डी आ जाएगा। 17वें पर आ जाते हैं, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है इनमें से? 17वें में आ जाएगा। यहां पर बता देना चाहूंगा कि 17वां जो क्वेश्चन है इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, और इसका जो उत्तर है वो आप ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ही ज़रूर से मैच कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 18वें में कहा गया है, 1+1/1 और नीचे फिर बटे में दिया हुआ है 1+1/1, इस प्रकार से आपके पूरा क्रम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हल क्या होगा 18वें में? और 18वें में ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा, 11/7। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, 19 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बीकानेर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 20 पर आ जाते हैं हम, और 20 में कहा गया है, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले के हैं? इसमें थोड़ा सस्पेंस है तो इसे भी हम छोड़ना चाहेंगे, ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये एक अनुमानित आंसर की है। ध्यान दीजिएगा, यह एक अनुमानित आंसर की है। ठीक है, अनुमानित आंसर की है, बोर्ड क्या ऑप्शन मानता है वो यहाँ निर्धारित नहीं है, लेकिन आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ रहे हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? और 21 नंबर में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नैनू राम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। 22वां क्वेश्चन है आपके, ये मैथ से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को हम छोड़ना चाहेंगे, सस्पेंस भरा क्वेश्चन है। ठीक है, 23 पर आ जाते हैं, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, सोने की। ठीक है, 23 में सी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 24 पर, 24 में कहा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 24 में ऑप्शन नंबर यहां पर डी आ जाएगा, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म उद्यान कहां स्थित है? 25 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जैसलमेर में है। 26 पर आ जाते हैं, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया था? ठीक है, 26 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, करौली में। 27 पर आ जाते हैं, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? 27 में बी आ जाएगा, रेयान। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? 28 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जयपुर और इंद्रगढ़। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, ठीक है, 28 में सी, 29 धोली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? 29 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, संत लालदास जी। धोली धूप और संत लालदास जी, इनके रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। 30 पर आ जाते हैं, प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? 30 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बूंदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगले पर आ जाते हैं, 31 में कहा गया है, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? 31 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मणि मधुकर। 32 पर आ जाते हैं, श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? 32 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। अगला क्वेश्चन आ जाता है 33वां, कहा गया है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण रहा है? तो 33 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 10वां। आगे चलते हैं अगले पर, 34 पर आ जाते हैं, नाचना जो है वो किसकी एक नस्ल है? और 34वां क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, ऊँट की, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 35 पर आ जाते हैं, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? 35 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कीर्तिपाल।
गंगानगर अगेती डैश की फसल है। और 36 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर बी कपास। 37 पर आ जाते हैं। देखो दोस्तों, बता देना चाहूँगा आपको कि राजस्थान की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर से देखने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको बता देना चाहूँगा कि वर्तमान में जो एग्ज़ाम के पेपर्स हो रहे हैं, 2022 की एग्ज़ाम, बहुत सारी एग्ज़ाम हुई हैं, और मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने आंसर की पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है चैनल पर, आंसर की पेपर्स के नाम से, ठीक है? तो वहाँ पर जा करके आप प्लेलिस्ट में जा करके पेपर्स देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 100 से ऊपर, 100+ पेपर्स मिल जाएंगे राजस्थान के, जिसमें आरएसएमएस भर्ती बोर्ड के ही ज़्यादातर पेपर हैं। तो आरएसएमएस भर्ती बोर्ड जो पेपर्स करवाता है उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है। इसका विश्वास आप एक ही बात पर कर सकते हैं, कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए। दूसरे पेपर में जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिल जाएंगे मैच होते हुए। तो वहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैच होते रहते हैं और वो बार बार आते हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि वो एक ही बार आते हैं, वो बार बार आते हैं। इसलिए बता देना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर के पेपर से तैयारी जरूर करें। और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट, उनको बता देना चाहूँगा कि वो पेपर्स जरूर देख कर जाएँ। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको पेपर्स मिल जाएंगे एक साथ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो शुरू करना है, पहला वीडियो शुरू करें और 100+ आपको पेपर्स मिलेंगे। हर पेपर में जीके क्वेश्चन जरूर रहते हैं, पहली बात, हर पेपर में जीके के क्वेश्चन जरूर रहते हैं, और वहां से आप जीके जरूर देख कर जाएं, ठीक है, पेपर्स की, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे पेपर्स में से। और साथ ही बता देना चाहूंगा कि द फ्यूचर्स एजुकेशन की तरफ से आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक है। अपनी तैयारी बेहतरीन करें, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें, और बिल्कुल पॉजिटिव रह करके एग्ज़ाम दें। और हमें अपनी एक पोस्ट पानी है, बस हमारा लक्ष्य इतना ही है। और हमें अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, खासकर हमारी माता पिता को खुशी का एहसास जरूर कराना है। अगला क्वेश्चन है 37वां, बागोर सभ्यता। 36वां क्वेश्चन का आपको उत्तर बता दिया गया है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, कपास, ठीक है। और 37वां है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। 37 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कोठारी नदी, ऑप्शन बी कोठारी नदी। और अगला क्वेश्चन है 38वां, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, राव उम्मेद सिंह, ठीक है। 38 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राव उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का जो निर्माण करवाया था वो राव उम्मेद सिंह ने करवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, बता देना चाहूँगा कि ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करें, और वहाँ से ही आपको असली उत्तर पता चल सकेंगे। 100% क्लियर कुछ नहीं होता है, जो बोर्ड उत्तर मानता है वही 100% क्लियर होता है। बहुत से पेपर्स में आपने देखा होगा कि कुछ ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जिन्हें अदर्स जो बताने वाले हैं आपको यूट्यूब पर, वो कुछ अलग ऑप्शन बताते हैं, लेकिन बोर्ड उनका उत्तर वह नहीं मान करके कुछ अलग ही मान लेता है। और बहुत सारी भर्तियों के पेपर से आप निकले हैं, मैं भी पेपर्स उपलब्ध करवाता रहता हूं, तो मैंने तो देखा है। इसलिए बता देना चाहूँगा कि बोर्ड जो ऑप्शन मानता है ऑफिशियल आंसर की में, वही बिल्कुल सही होगा, तो उसका इंतजार जरूर से आपको रहना चाहिए। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है। 39 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पाश में प्रवाहित धारा के एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। संख्या है 40, जो क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर का, उसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 8। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 41 पर, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। 41 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य। और बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो उड़न गिलहरियाँ हैं ये सीता माता अभयारण्य में ही पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए स्तंभों में नहीं है। 42 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी शुरुआत। वैसे बता देना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे घर में भी उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है, एक मजाक के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी गिलहरियाँ भी कुछ स्पेशल है। सप्त किरण से अभिप्राय है, 43 में ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन है इसमें आपके सस्पेंस है, तो इसको हम छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की का वेट करें इसके लिए। 44 है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। 44 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, धौलपुर के महाराजा को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 45वां, और 45 नंबर का क्वेश्चन आपके, हम ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करेंगे, सस्पेंस में है।
मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? 46 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ समझ आऊंगा, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़ से। अगला क्वेश्चन है 47वां, किसने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 47 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 10। ठीक है, 47 में ए आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 48, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? 47 नंबर के क्वेश्चन पर हम फिर से आना चाहेंगे और सैंतालीस पर हम फिर से आ जाते हैं, 47 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 5 है, क्षमा चाहूँगा, ए आपके नहीं है, ऑप्शन सी आएगा, 47 में सी आ जाएगा। 48 पर आ जाते हैं, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? मैंने इस ऑप्शन का उत्तर आपको ऊपर वाले में बता दिया था, इसलिए क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, पगड़ियों के प्रकार हैं, ऑप्शन ए पगड़ियों के प्रकार आ जाएगा। 48 में, 49 पर आ जाते हैं, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार कौन सा है इनमें से? तो 49 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। कॉपेन के अनुसार श्रीगंगानगर डैश जलवायु प्रदेश में स्थित है? 50 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BWHW। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 51 पर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान डैश में स्थित है? ऑप्शन ए आ जाएगा, बीकानेर। 52 पर आ जाते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया, यह किस जिले में स्थित है? 52 में ए आ जाएगा, बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 53 पर आ जाते हैं हम, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया तो यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय आएगा? 53 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 400। 54 में डी आ जाएगा। 56 पर आ जाते हैं, 55 पर आ जाते हैं, क्षमा चाहूँगा, 55 पर आ जाते हैं, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना डैश ने की थी? और 55 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, देवीलाल सामर ने। गंजीफा, चारभर, नारछरी किसके प्रकार हैं? और आपके 56 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, खेल के। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 57 पर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? 57 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गोकुल भाई भट्ट को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 58 पर, सदिश राशि पहचानिए, और इसमें आपके 58 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 58 में बी आ जाएगा। और अगला है, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 59, गबरी बाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 60 पर आ जाते हैं, श्रीलाल जोशी, रिपीटेड क्वेश्चन है और 2022 की कई एग्जाम में आ चुका है, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? घुमा करके, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया जाता है, लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, या फिर इनमें से कौन फड़ चित्रकला संबंधित है, कुछ ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए फड़। ठीक है, 60 में ए आ जाएगा, फड़ से संबंधित है श्रीलाल जोशी। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अनंत छोटी हो तो प्रकाश किसके प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को कहते हैं? 61 में बी आ जाएगा, विवर्तन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 62 पर आ जाते हैं, 62 में कहा गया है, यदि एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर तथा एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है, तब एम प्लस एन संख्याओं का औसत क्या होगा? 62 में बी आ जाएगा, एम एन। अगला क्वेश्चन है, नमन और अमित की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है, 20 वर्ष पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है? क्वेश्चन को हम छोड़ना चाहेंगे और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, सस्पेंस है इस क्वेश्चन में, इसलिए 64 है, एक शंकु, अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर खड़े हैं तथा उनकी ऊंचाई भी समान है, उनके आयतन का अनुपात है? 64 में ए आ जाएगा, 1:2:3। अगला क्वेश्चन है, 65, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है? 65 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, छबड़ा एवं सूरतगढ़ में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 66 पर, और कहा गया है राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई, 66 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2021 में
उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है, 67 में डी आ जाएगा, जयपुर में। अगला क्वेश्चन आता है 68, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है, 68 में बी आ जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है रणथंबोर टाइगर रिजर्व के जॉन टैन वाला, और ये आपके हम इसको छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की का वेट करें इसके लिए। 69 को सस्पेंस है इसमें, इसलिए 69 के बाद 70 पर आ जाते हैं, दो पासों को 70 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, दो पासों को एक सर भिन्न, तो दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता है, 70 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 5/6। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, 71 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 72 पर, एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 अधिक है या ज़्यादा है, संख्या ज्ञात करनी है कौन सी है, 72 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है 73, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ वाला, इसको हम छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। 74 पर आ जाते हैं, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, और 74 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पांव में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 75, एक दो अंकों की संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा कर तब उसमें से 5 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, या उनके अंकों के अंतर को 16 से गुणा कर उसमें 3 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, संख्या क्या है, 75 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 83, ठीक है। 76 पर आ जाते हैं हम, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की, 76 में ए आ जाएगा, नारायणी देवी वर्मा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 77 पर, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है, और 77 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, मुर्गियों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुर्गियों का। 78, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया, 78 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एस शिंदे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 79, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किमी घंटा तथा 40 किमी घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी, 79 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 12 सेकंड में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 79 के बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 80 नंबर का, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह है कहाँ से शुरू हुआ, 80 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऋखब देव से। और अगला है दस्तूर कौमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है, 81 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है 82, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और 82 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, 82 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 83 पर आ जाते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, 83 में ऑप्शन बी आ जाएगा, फैराडे ने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 84 पर, निम्नलिखित में से कौन प्रजामंडल से संबद्ध नहीं है कहा गया है, कौन नहीं है, ओके, इसमें 84 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, गोविंद गुरु, ठीक है, 84 में डी आ जाएगा। 85 पर आ जाते हैं, 85 में कहा गया है मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में पराजित किया, 85 में सी आ जाएगा, राणा सांगा ने। अगला क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, और 86 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, तिलवाड़ा में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 87 पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कहा गया है आना सागर का निर्माण किसने करवाया था, और 87 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अर्नो राज ने। अगला क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 87, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आया था नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या है, 88 में डी आ जाएगा, 12वीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 89 में, कहा गया है आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी, और 89 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मान सिंह को। किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है, 90 में ए आ जाएगा, समतापीय
प्रक्रम। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 91 पर, राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, सिंचाई का प्रमुख स्रोत पूछा गया है आपके, और 91 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कुएं। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, 92 में ए आ जाएगा 826 किमी। अगला क्वेश्चन है 93, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है, 93 में सी आ जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 94 पर आ जाते हैं, बूंदी में कजली तीज, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है और मोस्ट है, कई एग्जाम में आ चुका है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, 94 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाद्रपद माह में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, 95 में बी आ जाएगा 10, 95 में बी आ जाएगा। 96 पर आ जाते हैं स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया, 96 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अलवर में, अलवर से। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, जवाई बांध 97 में बी आ जाएगा पाली, जवाई बांध पाली से संबंधित है। 98 पर आ जाते हैं लोकेंद्र व जयदीप सिंह, इसको हम छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ना चाहेंगे। 99 पर आ जाते हैं हम 99 में कहा गया है संख्या समुच्चय 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 99 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा माध्य ग्रेटर देन बहुलक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 100 पर, लील टास के लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, लील टास के लेखक ऑप्शन बी आ जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। फॉरेस्टर भर्ती 2022 का 6 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा, जैसा कि ये एक अनुमानित आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की जैसे आती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें वीडियो को, और वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत,